12 सीजन्स, 279 एपिसोड्स और अपनी पीक पर हर एपिसोड के लिए $1 मिलियन। ये शो इतना सक्सेसफुल है कि इसके स्पिन ऑफ सीरीज के भी 3 सीजन्स आ चुके हैं और चौथा आने वाला है। ऐसी सक्सेस को तो कोई भी देखकर बोलेगा बजिंगा। दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव राठी और आप देख रहे हैं डीकोड विद ध्रुव, जहां मैं हर हफ्ते एक पॉपुलर नेटफ्लिक्स शो या मूवी को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। तो आज हम डीकोड कर रहे हैं 55 टाइम्स एमी नॉमिनेटेड शो द बिग बैंग थ्योरी को। एक ऐसा शो जो नर्ड कल्चर और नॉन ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट करता है या एटलीस्ट करने की कोशिश करता है। एक शो जो अपने फीमेल कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग और लीडरशिप रोल्स में सक्सेसफुल करियर्स में दिखाता है या एटलीस्ट दिखाने की कोशिश करता है। और आखिर में एक शो जो 279 एपिसोड्स तक इंटरेस्टिंग रहता है या रहने की कोशिश करता है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। 2000s के आसपास बिल प्रेडी अपने दोस्त चक लॉरी के साथ अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जॉब के दिनों की बात कर रहे थे कि उनके कोलीग्स कैसे जीनियसिस थे लेकिन उनकी सोशल स्किल्स काफी बुरी थी। तो ये एज एन आइडिया डिस्कस करते करते दोनों को एक पुराना आइडिया याद आया, जहां एक लड़की बिना अपने माँ बाप के या बॉयफ्रेंड के अपने सपनों को पूरा करने नए शहर में जाती है। इस आइडिया का कभी कुछ हुआ नहीं था, तो इन दोनों आइडियाज को मिक्स करके बना द बिग बैंग थ्योरी और ये लड़की बन गई पेनी, शो की लीड एक्ट्रेस। जहां तक शो के मेन मेल कैरेक्टर्स की बात है, आइडिया था कि इन लोगों की जिंदगी में पैसे नहीं, साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कैरेक्टर्स दुनिया के रहस्यों को खोजने की कोशिश में लगे हों लेकिन इन्हें लड़कियों के साथ बात करना नहीं आता। इस टाइप के कैरेक्टर को कहते हैं नर्ड या गीक कैरेक्टर। इस शो की व्यूअरशिप सीजन 4 के बाद 11 मिलियन से कम कभी हुई नहीं। आज ये शो दुनिया भर में फैल चुका है। शो में बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, इलॉन मस्क और स्टीव वोजनियाक भी गेस्ट अपीयरेंसेस कर चुके हैं। ये शो इतना सक्सेसफुल और फेमस शायद इसलिए है क्योंकि इस शो के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से ऑड हैं। यूजुअल शोज में ऐसा नहीं होता, या फिर ये कह लो कि इस शो की जो टाइमिंग थी वो कोइंसिडेंटली परफेक्ट थी, क्योंकि यही टाइम पर मार्वल मूवीज और कॉमिक बुक्स, वीडियो गेम्स, ये सारी चीजें कूल बनने लगी थी। और इस शो की शायद सबसे खास बात यह है दोस्तों कि शो में साइंस रिलेटेड हर बात वेरीफाइड और सच्ची है। UCLA के प्रोफेसर डेविड साल्ट्सबर्ग कंसल्टेंट थे इस शो पर, और शो के हर व्हाइट बोर्ड पे जहां इक्वेशंस और साइंस लिखी हुई होती है सब सच्ची और एक्यूरेट बातें हैं। तो बात क्या है दोस्तों, शो की हर स्क्रिप्ट पहले साल्ट्सबर्ग को मिलती थी, राइटर स्क्रिप्ट में जगह छोड़ देते थे कि इंसर्ट साइंस स्टफ, और वो स्क्रिप्ट के ऊपर साइंस का अपना मसाला छिड़क देते थे। एक्यूरेसी इस हद तक है कि माइम बियालिक जो एमी फेरा फाउलर का किरदार निभा रही हैं, शो में और रियल लाइफ में दोनों में एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। अब इतना एक्यूरेट तो मैं भी नहीं हूं, मैं यूट्यूब पर पॉलिटिक्स की बातें करता हूं लेकिन रियल लाइफ में मैं एक इंजीनियर हूं। खैर, किसी भी शो की पॉपुलैरिटी उनके कैरेक्टर्स की यूनिकनेस पर डिपेंड करती है, और शेल्डन कूपर से ज्यादा यूनिक कौन हो सकता है। शेल्डन के सारे डायलॉग्स और कैच फ्रेजेस इतने फेमस हैं कि मुझे भी सपनों में आते हैं। सही में, आई एम नॉट क्रेजी, माई मदर हैंड मी टेस्टेड। अब हर सक्सेसफुल सिटकॉम का आप ये समझ लो दोस्तों कि एक फॉर्मूला टाइप का होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं सीजन 2 के एपिसोड 11 का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि सीरीज के फिनाले एपिसोड को छोड़ के ये एपिसोड शो का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड था। पहले उनकी स्टोरी स्ट्रक्चर 3 हिस्सों में बांटी जाती है, एक्ट 1, एक्ट 2 और शायद आपने गेस कर ही लिया होगा एक्ट 3। इन 3 एक्ट्स में एक मेन प्लॉट लाइन या स्टोरी होती है जिसे ट्रैक ए कहा जाता है, और एक या कभी कभी 2 सब प्लॉट्स होते हैं जिन्हें ट्रैक बी और ट्रैक सी कहा जाता है। सब प्लॉट आपके पनीर टिक्के के साथ आने वाली ग्रीन चटनी जैसा होता है, होता छोटा है लेकिन पूरी डिश को कंप्लीट करता है। हर एपिसोड की शुरुआत होती है एक कोल्ड ओपन से, जहां कैरेक्टर्स की डेली लाइफ में हम अचानक से घुस जाते हैं। अगर कोल्ड ओपन नहीं करते तो उनको भी मेरी तरह हर एपिसोड की शुरुआत नमस्कार दोस्तों बोल के करनी पड़ती। अब जिस एपिसोड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एपिसोड में लड़के अपने ऑफिस में खाना खा रहे होते हैं और डेव नाम का एक नया साइंटिस्ट उनके ऑफिस में आता है। डेव कूल है, गुड लुकिंग है और लेनर्ड के साथ काम करने वाला होता है। यहाँ एक्ट 1 और दोनों प्लॉट लाइन का सेटअप होता है। पेनी डेव से मिलती है और अचानक से साइंस में दिलचस्पी दिखाने लगती है क्योंकि उसे डेव पसंद आ गया। लेनर्ड इस सब से बहुत जेलस हो जाता है। इस सब के साथ क्योंकि ये क्रिसमस का वक्त होता है, पेनी शेल्डन के लिए गिफ्ट ले आती है और शेल्डन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब उसे भी एक गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। अब इतनी सिंपल सी बात शेल्डन अपनी शेल्डननेस की वजह से बहुत एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इस एक्ट में डेव और पेनी डेट करने लगते हैं। लेनर्ड की जेलसी और सैडनेस बढ़ जाती है और वो घर पे उदास बैठा हुआ होता है। और सब प्लॉट में शेल्डन गिफ्ट खरीदते खरीदते पूरे स्टोर को पागल कर देता है।
फाइनली वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गिफ्ट की स्कीम बनाता है पेनी के लिए। फाइनली एक्ट थ्री, यहाँ कैरेक्टर्स के एपिसोड की जर्नी खत्म होती है। एक तरफ पता चलता है कि डेव तो शादीशुदा है और दूसरी तरफ पेनी का गिफ्ट इतना अच्छा होता है कि शेल्डन, जो कभी किसी को हग नहीं करता, पेनी को हग करता है। और ऐसे शेल्डन, पेनी और लेनर्ड एक दूसरे से थोड़ा और क्लोज हो जाते हैं और ये हुई एपिसोड की हैप्पी एंडिंग। एक सिटकॉम के अच्छे एपिसोड के लिए कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क या जर्नी उन्हें नई जगहों पर ले जानी चाहिए, लेकिन अंत में वापस अपनी नॉर्मल और अनचेंज जिंदगी में आ जानी चाहिए। अब क्योंकि एक सिटकॉम सालों तक चलता रहता है तो मोस्टली हर एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कैरेक्टर्स कंफर्टेबल और नॉर्मल होते हैं। फिर उनकी लाइफ में कुछ नया होता है, वो कहीं जाते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, डेव को डेट करते हैं और फिर अंत में नई चीज चली जाती है और सब वापस नॉर्मल हो जाता है। फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में अंत में कैरेक्टर आमतौर पर बदल जाते हैं। शुरुआत में वो जैसे थे उससे अब ज्यादा होशियार, ताकतवर वगैरह वगैरह बन जाते हैं। टीवी शोज के कैरेक्टर्स में चेंज सिर्फ उनके सीजन के पहले कुछ एपिसोड या लास्ट के कुछ एपिसोड्स में होती है, जो क्लिफ हैंगर वाली एंडिंग्स होती हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में और जानने के लिए हमने बात करी इंडियन टीवी के एक एस्टैब्लिश्ड राइटर से। तो आज हम बात कर रहे हैं कौतुक श्रीवास्तव से, जो एक कॉमेडियन, ऑथर और सिटकॉम राइटर हैं, कि टीवी सिटकॉम्स और आजकल की जो वेब सीरीज हैं, उनमें उनके राइटिंग अप्रोच में क्या फर्क होता है। द वर्ड सिटकॉम, राइट, इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी। तो कैरेक्टर्स आपने बना दिए, अब उनको बस दूसरे सिचुएशंस में डालते रहो। वो थोड़ा चेंज हो गया, अब नाउ वी आर लुकिंग फॉर कैरेक्टर ग्रोथ, कैरेक्टर आर्क्स, जर्नीज, व्हाट डू दे लर्न, हाउ डू दे चेंज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, राइट। सो दैट इज हाउ, दैट इज वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस दैट हैज हैपेंड इन राइटिंग ऑफ शोज। तो जब हम सिटकॉम लिखने की बात करते हैं तो इसमें कोई डेफिनेट अप्रोच होता है क्या कि आप हमेशा सिटकॉम के एपिसोड को एक जोक से शुरू करोगे, ऐसा कुछ करोगे? द जोक्स आर द कार, राइट, एंड यू कैन मेक अ वेरी ब्यूटीफुल कार, बट the heart of the thing, right, the theme or the insight of that episode is the engine. And without that engine, even the most beautiful car is useless. So earlier in the traditional sitcom, you used to have something called the lesson, the moral lesson. You should have some unique observation or some insight about life that you're trying to portray through your thing. तो लेकिन आजकल ये sitcoms थोड़े out of fashion जाते दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी हैबिट बदलती जा रही है या मीडिया का लैंडस्केप बदल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेट्स टेल वेरी स्पेसिफिक स्टोरीज, लेट्स टेल स्टोरीज दैट पुश द बाउंड्रीज ऑफ कॉमेडी आल्सो। ऑल स्टोरीज, कॉमेडी स्टोरीज आल्सो एग्जिस्ट ऑन, देयर इज अ रेशियो बिटवीन ड्रामा एंड कॉमेडी, राइट। और सिचुएशनल कॉमेडी में द कॉमेडी इज ऑफ अ हायर रेशियो देन द ड्रामा, एंड नाउ वी आर सीइंग दैट रिवर्स्ड, जहां ड्रामा को ज्यादा वेटेज है और कॉमेडी को कम। तो एंड कॉमेडी इज द स्प्रिंकलिंग, यू नो, इट्स द थिंग दैट कीप्स यू एंगेज्ड इन दिस अदरवाइज एक्सट्रीमली सीरियस स्टोरी, एंड दे आर टैकलिंग वेरी डीप इश्यूज, एंड दे आर सेइंग दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट यू कांट अप्रोच विद ह्यूमर। व्हाई जस्ट एक्सप्लेन ह्यूमर टू योर लाइट हार्टेड थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट द हेवी स्टफ एज वेल, बिकॉज द सेंस ऑफ ह्यूमर इज द ओनली थिंग यू नीड to get through life. True. तो आपको क्या लगता है क्या future है ऐसे shows का जो comedy दिखाना चाहते हैं लेकिन mass appeal रखना चाहते हैं? The thing about the light-hearted feel-good comedy is that everyone at the end of the day wants the values that that thing stands for, right? Hope, family, togetherness, community. Those things will never go out of fashion. And especially during these times when the pandemic has hit and there's a it's pretty bad outside, right? That's when you want these things even more. They will never go out of fashion. तो ये थी कहानी एक टिपिकल सिटकॉम की, लेकिन इस शो में काफी चीजें टिपिकल नहीं है। इंडिया की शोज और मूवीज से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो इंडियन मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लीड रोल्स में ऐसे आपको कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ ज्यादातर लीड रोल वाले मेल कैरेक्टर सलमान खान, अजय देवगन जैसे होते हैं, जो एक मुक्के से 15 लोगों को मार गिरा सकते हैं। तो ये एक नजरिए से बिग बैंग थ्योरी पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव है, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिशनल मर्दों को जगह देती है लीड रोल्स में स्टार बनने की। लेकिन आप शो के जोक्स पर थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि शो के सारे मैस्कुलिनिटी रिलेटेड जोक्स शो के लीड कैरेक्टर्स के अगेंस्ट होते हैं, उन्हें बार बार नामर्द बुलाते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल एपिसोड में भी पेनी गुड लुकिंग डेव को देख के सरप्राइज हो जाती हैं और कहती हैं, फिजिसिस्ट तुम्हारे जैसे नहीं होते, मैं जितने फिजिसिस्ट को जानती हूँ सब घरेलू और डरे डरे से होते हैं। शो में फीमेल कैरेक्टर्स स्टेम फील्ड्स में लीडिंग पोजिशन में दिखाए गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है,
लेकिन फिर भी शो में बहुत सारा कैजुअल सेक्सिज्म भी होता है। लड़कों की सोशल ऑकवर्डनेस उनके लिए एक एक्सक्यूज बन जाती है उनके क्रीपी बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए। और कॉमेडी के नाम पर अगर आप यूट्यूब पे जाके शो के क्लिप्स देखोगे जहाँ लाफ ट्रैक्स को एडिट आउट कर दिया गया है, तो शायद आपको भी ये शो इतना फनी ना लगे। काफी बार और खास करके आखिरी कुछ सीजन्स में तो लाफ ट्रैक जोक या पंचलाइन पर भी नहीं बल्कि किसी भी पॉप कल्चर रेफरेंस पे भी डाल दिया गया था। लाफ ट्रैक मतलब एक हंसने का साउंड इफेक्ट जो टीवी शोज में लोग ऐसे ही ऐड कर देते हैं। इस लाफ ट्रैक की वजह से लोगों की परसेप्शन हो जाती है कि जोक फनी है। स्टडीज के हिसाब से लाफ ट्रैक की वजह से जोक 15-20% ज्यादा फनी लगता है। वैसे तो बिग बैंग थ्योरी, फ्रेंड्स जैसे काफी सिटकॉम्स लाइव ऑडियंसेस के सामने ही रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कभी कभार लोगों का ज्यादा हंस लेना या कम हंस लेना पूरी रिकॉर्डिंग को बिगाड़ देता है। इसलिए लोग शोज में फेक लाफ्स डालने लगे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इमेजिन कीजिए आपका घर जल रहा है, आप अपने घर को कैसे बचाओगे? सिंपल, इमेजिन करना बंद कर दो। वैसे इस ट्रिक को हमने इस एपिसोड में भी एक दो जगह पर यूज किया है जहां जोक नहीं सिर्फ शो का रेफरेंस और लाफ ट्रैक है। अगर आप भी उन पर हंसे थे तो आप भी लाफ ट्रैक के शिकार हो चुके हो। इस सब के साथ एक और कंप्लेन है मेरी। राजेश कुत्रपाली का इंडियन कैरेक्टर बहुत ही स्टीरियोटिपिकल है। राज के माँ बाप बहुत ही ओवरबेयरिंग है, बार बार अरेंज मैरिज करने के लिए बोलते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई सालों तक अमेरिका के नजरों में इंडियन का मतलब होता था अप्पू फ्रॉम सिम्पसन्स। और सच कहूं तो ऐसा थिक एक्सेंट वैसे किसी का होता भी नहीं है। कुणाल नायर का खुद का एक्सेंट ऐसा नहीं था। ये होता है क्योंकि इंडियन कैरेक्टर्स को अमेरिकन पर्सपेक्टिव से लिखा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, इंडियन कैरेक्टर्स को इंडियन राइटर्स लिखते हैं और टीवी पर रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया है। हसन मिनाज, मिंडी केलिंग जैसे लोग इस सब का एक बढ़िया उदाहरण है। इस रिप्रेजेंटेशन और स्टीरियोटाइपिंग के बारे में हम बात करते हैं एक एक्सपर्ट से। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भूमि ठाकुर से, जो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में और ऑथर ऑफ द बुक भी है साउथ एशियंस ऑन द यूएस स्क्रीन जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। व्हाट वाज योर फाइंडिंग अबाउट साउथ एशियन एंड स्पेसिफिकली इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन यूएस मीडिया? देयर्स दिस वेरी dichotomous or like binary sort of perspective on how we see race. You're either white or you're non-white. And if you're non-white, you have to fit into these other buckets. The classic example being Apu from The Simpsons, you know, this very heavily accented, immigrant sort of behaving as if he just came to America yesterday, very much tied to Indian culture and more specifically not very much integrated into American culture. It was around 1990s. You began to see more representation specifically of Indian characters in kind of STEM professions. So you'd see the Indian doctor, the Indian scientist, right? But what I argue is that stereotype in itself is also problematic because it very much relies on this kind of model minority stereotype that exists in the United States. I think more recently what we've seen is a more holistic kind of representation. So you've got examples, the character of Kelly Kapoor from The Office, Mindy Kaling's character, or Aziz Ansari, a lot of his work that he's done. Or even more recently, you know, Priyanka Chopra did the show Quantico in the United States. So I think you've seen some departures from that, but I still think there are some ways in which their Indian ethnicity is highlighted specifically in a way to sort of position them as not white. But in a way, we still see that people love these characters, you know. I guess these stereotypes have to be done to make it more comedy. What do you think about that? So I agree, right? You sort of have to build the universe, right? You have sort of say, you know, these are a group of nerds, if you will, and this is how they are nerdy, right? After you've established that universe, it's my perspective that I think those are the opportunities where you can challenge some of these things. And, you know, I think the Big Bang Theory did that on occasion. You know, they, you know, Raj can now talk to women, you know, in later seasons, he can start talking to women. You know, he has a girlfriend, he has a life outside of his science. I think those things need to happen sooner. And I think they need to be more nuanced, right? You know, again, as a way to sort of show that Indian people are not just this one kind of person. In sab khamiyon ke bawajood bhi, ye show American TV ke sabse successful shows mein se ek hai. एटलीस्ट इस शो ने मैस्कुलिनिटी और सेक्सिज्म जैसी चीजों पर चर्चा करने की कोशिश तो करी, क्योंकि सच तो ये है कि अमेरिकन टीवी शोज में ये सब काफी कॉमन है। तो अब अचानक से ये शो जो आपको बहुत पसंद था कोई बुरा शो तो नहीं बन जाएगा? शायद आगे जाके नए शोज में ऐसी चीजें धीरे धीरे निकल जाएं। अभी के लिए तो यही बात है कि हमारे दिल में शेल्डन कूपर की जगह कोई बैठ नहीं सकता, लिटरली। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए कि अगले एपिसोड में मैं किस शो को डिकोड करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।